एवरीवन, तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु तथा अधातु। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुण और रासायनिक गुण दो तरह के गुण होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। रासायनिक गुणों में मैंने बताया था किसी पदार्थ के आंतरिक गुणों को रासायनिक गुण कहते हैं, और धातुओं के रासायनिक गुण जानने के लिए हम धातुओं की अलग अलग चीजों से अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा के देखना, जल से अभिक्रिया करवा के देखना, अम्ल से अभिक्रिया करवाना, क्लोरीन से अभिक्रिया करवाना और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाना। तो पहली जो वीडियो थी उसमें हमने धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा के देख ली थी, जल से अभिक्रिया करवा के देख ली थी और अम्ल से अभिक्रिया करवा के देख ली थी, और उनमें क्या बना ये हम पढ़ चुके थे। तो मतलब अब उसमें दो बच गए थे, मतलब धातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया और हाइड्रोजन से अभिक्रिया कैसे होती थी वो हमने पढ़ना है। क्यों? क्योंकि रासायनिक गुणधर्म में जैसा कि मैंने बता दिया, जल से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया, क्लोरीन से और हाइड्रोजन से। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन हमारा रह गया था, तो मैं वहां से शुरू कर रहा हूं कि धातुओं की क्लोरीन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्लोरीन से जब कोई धातु अभिक्रिया करती है तो क्लोराइड बनता है। देखो धातु के अंदर गुण होता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का, मतलब सभी धातुओं के अंदर ये करैक्टर है, ये उनका गुण है कि वो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती है। जबकि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन Cl, देखो क्लोरीन 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है, कितना 17। अगर मैं इसको लेके चलूं क्लोरीन बराबर 17, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, मतलब अगर इसके इलेक्ट्रॉनों को बांटे तो कितना होगा 2, 8, 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेती है हमेशा, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेने वाली है। जबकि धातु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को देने वाली होती है। तो मतलब इनका तो आपस में काम ही चल गया। धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है, क्लोरीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है। इसलिए जब धातु, कोई भी धातु जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगी और बना लेगी धन आयन, और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी और बना लेगी ऋण आयन। तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला दोनों के बीच में आबंध बन जाएगा, उस आबंध को बोलते हैं आयनिक आबंध। और देखो एक प्लस और माइनस के बीच में जो आबंध बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल आबंध होता है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन, मान लो कि ये क्लोरीन का परमाणु है और ये कोई धातु का परमाणु है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, प्रबल आबंध बनेगा कि ये दूर दूर नहीं होंगे, ये एक दूसरे से सटे हुए होंगे बिल्कुल। और इस तरह का गुण किसमें होता है, ये तो ठोस वस्तुओं में होता है, क्योंकि ठोस वस्तुओं के जो आंतरिक तत्व होते हैं, जो अंदर के कण होते हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, और इनके बीच में तो आबंध कितना प्रबल है, इसलिए इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो जो चीज बनती है वो चीज ठोस होगी, ठीक है। और इनके बीच में एक आयनिक आबंध बनता है, तो जो यौगिक बनेगा हम उसको कहेंगे आयनिक यौगिक, ठीक है। आयनिक यौगिक का मतलब क्या होता है, आयनिक यौगिक कोई भी ऐसा यौगिक होगा जब हम उसको जल में घोलेंगे, मतलब उसका विलयन बनाएंगे, तो वह विलयन में आयन देगा, कोई भी आयन देगा, मतलब या प्लस वाला और एक माइनस वाला, दो तरह के आयन वो देता है। तो देखो आयनिक क्लोराइड का निर्माण करता है, कैसे करता है मैंने बता दिया, धातु इलेक्ट्रॉन देती है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेती है। क्लोराइड होते हैं वो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक सभी वो यौगिक जो आयनों के जुड़ने से बनते हैं हमको बोलते हैं आयनिक यौगिक। जैसे अगर हम बात करें NaCl की, देखो ये भी क्लोराइड ही है, सोडियम का क्लोराइड है, क्योंकि क्लोरीन से अभिक्रिया की, तो NaCl हो गया। तो देखो इसमें Na प्लस है और क्लोराइड आयन, दो तरह के आयन है जो आपस में जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, जिसके कारण ये एक दूसरे से बहुत प्रबल तरीके से जुड़ते हैं, और प्रबल तरीके से जुड़ेंगे तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, मतलब तोड़ने के लिए इनको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिक जो होते हैं तो आयनिक यौगिक हमेशा ठोस होंगे, और
इनका क्वथनांक और गलनांक अत्यधिक होगा। देखो क्वथनांक और गलनांक अत्यधिक होने का मतलब क्या है, क्यों होता है क्वथनांक और गलनांक अत्यधिक? कोई भी ऐसी चीज जैसे बर्फ है, बर्फ में जो जल के कण होते हैं उसमें वो बिल्कुल पास पास होंगे ऐसे ऐसे, जो द्रव होता है द्रव में थोड़े दूर होते हैं और गैस होती है उसमें और ज्यादा दूर होते हैं, ऐसा 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब देखो इसको इसमें बदलने के लिए इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो आबंध है उसको तोड़ने के लिए हमें इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब इसको ऊर्जा देंगे तो ये टूटेगा। अब जितना ये तेजी से जुड़ा होगा, जितना इनके बीच में आबंध मजबूत होगा, हमें उतनी ही अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो उतनी ऊर्जा देने का मतलब क्या, हमें उतना इसको गर्म करना पड़ेगा। तो इसको इसमें बदलने के लिए, मतलब ठोस को द्रव में बदलने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। और अत्यधिक ऊर्जा देने का मतलब क्या है, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, वही तो है गलनांक। मतलब जिस तापमान पे कोई ठोस वस्तु पिघलती है वो उसका गलनांक होता है। अब इसको तोड़ने के लिए, इसको इसमें बदलने के लिए कितने ज्यादा तापमान या कितनी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, मतलब कितने ज्यादा तापमान की आवश्यकता होगी, क्यों, क्योंकि बीच में आबंध बहुत प्रबल है, इसलिए आयनिक जो यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है भाई। अब क्लोरीन से अभिक्रिया धातुएं कैसे करेंगे, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि कुछ धातुएं तो अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ कम क्रियाशील होती है, जैसे सोडियम और पोटासियम अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, कैल्शियम भी अत्यधिक क्रियाशील। मैंने क्रियाशीलता श्रेणी आप लोगों को बता दी है और उस टाइम बताया भी था कि क्रियाशीलता श्रेणी को याद कर लेना, ये याद हो गई तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें आप अपने आप सीख जाओगे। तो क्रियाशीलता श्रेणी को हमने देख लिया और उसमें देखा कि सबसे ऊपर जो धातु थी वो सोडियम और पोटासियम थी, तो जो क्लोरीन है सोडियम और पोटासियम से तो बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेगी, ऐसे ही रखने के बाद ही कर लेगी, मतलब कैल्शियम से भी कर लेगी। लेकिन जो दूसरी धातुएं होती हैं, जो बाकी की धातुएं हैं, जैसे कौन सी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, इनके साथ वो अभिक्रिया करेगी तो सही, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी लेकिन थोड़ा गर्म करने पे करेगी, मतलब इनको गर्म करना पड़ेगा तब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है, ये ऐसे ही कर लेगी क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है भाई। तो कैसे अभिक्रिया होगी, जैसे अगर हम ले लें किसको, अगर हम ले लें सोडियम को, सोडियम की बात कर ले तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाए, देखो Na सोडियम सोलिड है, क्लोरीन गैस है, तो दोनों अभिक्रिया करेंगे तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड संतुलित नहीं है, संतुलित करना पड़ेगा, 2NaCl यहां 2Na आ जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड ये एक आयनिक यौगिक बनेगा। ऐसे ही कैल्शियम सोलिड प्लस Cl2 बनेगा CaCl2, ठीक है भाई, ये भी एक आयनिक यौगिक होगा। ऐसे ही जिंक के साथ Zn प्लस Cl2 जिंक क्लोर ZnCl2 बनेगा। आयरन भी ऐसे ही करेगा, कॉपर भी अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ, याद रखना, लेकिन गर्म करने पर करेगा। ये तो होगी बात हुई क्लोरीन से अभिक्रिया किसकी, धातुओं की। अब बात करते हैं धातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। देखो सामान्यतः हाइड्रोजन धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते, क्यों नहीं करते, हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं और अगर वो किसी ऐसी चीज के साथ अभिक्रिया करेगी जो इलेक्ट्रॉन लेती है तो अभिक्रिया तेजी से हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन जो होती है वो खुद से ही इलेक्ट्रॉन छोड़ती है और धातु भी इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली होती है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाले हैं तो वो कैसे अभिक्रिया करेंगे, वो तो अभिक्रिया नहीं करेंगी, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत सारी धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है, मतलब उनकी क्रियाशीलता इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम उनको हाइड्रोजन के पास छोड़ दें तो वो हाइड्रोजन को मजबूर कर देंगे, किस लिए कि इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो उसको फोर्स करेंगे, किसको, हाइड्रोजन को, किस लिए कि वो उनके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने वाली बन जाएगी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी किससे, धातु से, तो उन दोनों के बीच में आबंध बन जाएगा। अब दोनों वही आबंध बना, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो गया, तो कैसा आबंध बनेगा, वहां भी आयन बन गए, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया
तो वो धनायन बन गया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो ऋणायन बन गया, उनके बीच में आबंध बनेगा तो आयनिक आबंध बनेगा, और यौगिक जो बनेगा वो आयनिक यौगिक बनेगा। तो इसका मतलब है धातुओं धातु जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है, वैसे तो ज्यादातर नहीं करती लेकिन जो भी करेगी जैसे सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये अभिक्रिया कर लेगी, ये अभिक्रिया करेगी तो बनाएगी क्या, ये बनाएगी हाइड्राइड, धातु का हाइड्राइड। जैसे क्लोरीन से अभिक्रिया करी तो बना धातु का क्लोराइड, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, धातु का हाइड्राइड। ठीक है, जैसे सोडियम ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया की तो बना सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया की कैल्शियम हाइड्राइड, और ये भी एक आयनिक यौगिक है, ये भी एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब है जब हम इनको जल में घोल देंगे, जब इनका विलयन बनाएंगे तो ये आयन देंगे, कौन कौन से आयन, Ca2+ और हाइड्रोजन आयन, ये आयन देंगे विलयन में। आयनिक यौगिक का मतलब ये होता है कि कोई भी आयनिक यौगिक जब हम उनको जलीय विलयन में डालते हैं तो उनसे आयन निकलते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात होगी किसकी, धातु की क्लोरीन से और हाइड्रोजन से अभिक्रिया। एक बात याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन से अपने आप अभिक्रिया नहीं करेगी, उसको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी। कैल्शियम भी ऐसे ही, कैल्शियम को भी गर्म करना पड़ेगा तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। ठीक है भाई, ये तो थे पिछले धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में जो बच गया था ना वो थे ये। मतलब क्या, हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सबसे पहले धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, हमने पढ़ा फिर धातु की जल से अभिक्रिया, उसके बाद हमने पढ़ा धातु की अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से। ठीक है अभी, और अभी मैंने बताया दो कि धातु की क्लोरीन से अभिक्रिया और हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ये पांच चीजें हमने पढ़ी है किसमें, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में। और हम ये सब पढ़ चुके हैं कि क्या, कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड बनता है, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। फिर धातु ने जल से अभिक्रिया की थी और बना था धातु का हाइड्रोक्साइड, क्यों, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन देती है और जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो धातु अपने आयनों को हाइड्रोजन को दे देती है और हाइड्रोजन H2 के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाती है और हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये पढ़ चुके हैं, जब धातु अम्ल से भी क्रिया करती है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसका रीजन भी यही है कि जो धातु होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं उसको दे देंगे और वो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, क्लोरीन से कैसे अभिक्रिया होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, दोनों आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब हम शुरू करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। पढ़ना क्या है, पढ़ना वही है क्या, अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अधातु की जल से अभिक्रिया, अधातु की अम्ल से अभिक्रिया, अधातु की क्लोरीन से अभिक्रिया और अधातु की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला, अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जैसे धातु ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा के ऑक्साइड बनाया था, ऐसे ही अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाती है क्या, ऑक्साइड। जैसे अधातु, अधातु है कोई भी, उसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो बना क्या, ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे। और याद रखना अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। जैसे देखना चाहे हम कार्बन, कार्बन एक अधातु है, जब ये ऑक्सीजन में जलता है तो बनता है CO2, CO2 गैस, देखो ये है कार्बन का ऑक्साइड और यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसे पता चलेगा कि अम्लीय प्रवृत्ति का है, इसको जल में घोल दो, CO2 को जब हम जल में घोलते हैं तो बनता है क्या है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनेगा, कार्बोनिक अम्ल, ये कार्बोनिक अम्ल।
नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। कोई दूसरा ले लें, जैसे सल्फर एक अधातु है, जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अम्लीय प्रवृत्ति का SO2 है, यह जानने के लिए हम क्या करें, इसके सामने आप एक नीला लिटमस पत्र ले जाओ या फिर लाल लिटमस पत्र ले जाओ। अगर हम इसके सामने, ये तो गैस है, ड्राई सूखा नीला लिटमस पत्र लेके जाएंगे तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी अम्ल अपने अम्लीय गुण जलीय विलयन में ही दिखाता है। मतलब SO2 के सामने, SO2 के आगे अगर लिटमस पत्र लेके गए ना, सूखा ड्राई, तो इसके कलर के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप लोग इसके आगे ले जाओगे गीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र लो, उसको पानी में भिगो और इसके सामने ले जाओ SO2 के सामने, तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा SO2 कैसी है अम्लीय प्रवृत्ति की, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ अम्ल ही ऐसे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका मतलब SO2 क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति की है। या दूसरे में देखना चाहे, दूसरे रूप से देखना चाहते हैं, क्या करेंगे, SO2 को जल में घोल दोगे, SO2 प्लस H2O बनेगा क्या, H2SO3 क्या होता है, ये होता है सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक या सल्फ्यूरस कह सकते हो, सल्फ्यूरस या सल्फोनिक, सल्फ्यूरस एक होता है सल्फ्यूरिक, यो है सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है भाई, अम्ल है, लाल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो हम तो इन सब अभिक्रियाओं से हमें ये पता चलता है कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अगर हम देखना चाहें सल्फर, आप लोगों के पास सल्फर, इसको ऑक्सीजन में कैसे जलाएंगे, हम सल्फर ले लो, थोड़ी सी सल्फर जो होती है वो येलो से कलर का पाउडर होता है, सल्फर को हमने ले लिया और उसको देखो ये दिखा रखा नीचे, उसको एक चम्मच में, उसको बोलते हैं कम्बशन स्पून, तो उस चम्मच में लेके उसको गर्म करेंगे आग के ऊपर, तो थोड़ी देर में वो सल्फर आग पकड़ लेगा और जलना शुरू कर देगा। जब वो जलना शुरू कर दे तो उसको एक जार में ले जाओ और जार को थोड़ा सा ऊपर ढक दो, धीरे धीरे अंदर वो जलता रहेगा और गैस बनती रहेगी। जब वो पूरा जलना, पूरा जल जाए और जलना बंद कर दे, तो उसको निकाल के चम्मच में एकदम और जार को बंद कर दो, तो उसके अंदर एक गैस बनी रह जाएगी। अब उस गैस में, उस जार में थोड़ा सा पानी डाल के और उसको अच्छे से हिला लो, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें SO2 गैस और उसमें वाटर मिला के हमने उसको अच्छे से हिला लिया, तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, अब उसके सामने अगर आप लोग नीले लिटमस पत्र को ले जाओगे तो वो हो जाएगा लाल। इसका मतलब क्या है, अधातु का ऑक्साइड कैसा है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। ठीक है भाई, अब आती है बात, लेकिन ये तो बात होगी भाई अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के है। कुछ अधातु ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो उदासीन होते हैं, जैसे जैसे हम बात करें, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक होता है H2O। देखो यहां हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो ये अधातु का ऑक्साइड होगा। ये इसको तो हम जानते ही है, ये है तो जल, लेकिन जल वास्तव में है क्या चीज, जल है तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड ही, इसको आप ऑक्सीजन का हाइड्राइड भी कह सकते हो, H2O ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड भी है लेकिन ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड भी है। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और ये है उदासीन प्रवृत्ति का है, जबकि अब हम पढ़ रहे हैं कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का, लेकिन ये तो क्या है, उदासीन है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन में तो CO2 बनती है, ये तो क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति की है। लेकिन ये CO ये कब बनेगी, जब हम इस कार्बन को जलते टाइम ऑक्सीजन पूरी ना दे, मतलब लिमिटेड सप्लाई, जितनी इसको जलने में ऑक्सीजन चाहिए हमने उसको ऑक्सीजन उतनी नहीं दी, थोड़ी कम दी, तो उस समय CO2 नहीं बनेगी, क्या बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 एक अम्लीय गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक उदासीन गैस है, याद रखना। ठीक है भाई,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और इनको बोलते हैं अम्ल अनहाइड्रेट या एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है भाई, अम्ल अनहाइड्राइड या एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, CO2 और SO2 को, ये अम्लीय प्रवृत्ति होते हैं। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस P4 बोलते हैं, तो P4 सूत्र लिखते हैं, यह ऑक्सीजन में जलकर ऑक्सीजन में बनाता है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस एक अधातु है लेकिन यह ऑक्सीजन से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए हम फास्फोरस को खुले में नहीं छोड़ सकते, इसको हम पानी में स्टोर करके रखते हैं। जिस प्रकार सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, वैसे ही फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसको बाहर निकाल के रखते हैं तो यह ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करता है और जलना शुरू कर देता है, इसलिए इसको जल में भंडारित किया जाता है, मतलब जल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फास्फोरस को वायु में छोड़ने पर पीली ज्वाला के साथ जलता है। उदासीन ऑक्साइड मैंने बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल हो गया। ठीक है भाई, तो यह होगी पहली अभिक्रिया, किसकी, अधातुओं की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब दूसरी अभिक्रिया जल के साथ होनी चाहिए, अधातुओं की जल से अभिक्रिया। अब हमने पढ़ा था कि धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और हाइड्रोक्साइड बनाती है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस क्यों बनती है, क्योंकि उसमें धातु इलेक्ट्रॉन देती है, किसको, जो जल में हाइड्रोजन आयन होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन दे देती है। क्यों, धातु तो इलेक्ट्रॉन देने वाली होती है लेकिन अधातु तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देती, इसलिए अधातु में जल से अभिक्रिया नहीं करती। क्यों, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन नहीं देती, इसलिए हम कह सकते हैं कि अधातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। ठीक है भाई, फिर है अधातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। अब ऐसी जैसी जल से अभिक्रिया होती है वैसी ही अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है, मतलब वहां भी इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है नहीं, तो इसका मतलब है अधातु अम्ल से अभिक्रिया भी नहीं करेगी। ठीक है, तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगी इसके साथ, जल के साथ अधातु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती। अब बात आती है अधातुओं की दूसरी, अधातु लवणों से अभिक्रिया। जैसे हमने पढ़ा था कि धातु की, किसी धातु की किसी दूसरे धातु लवण से अभिक्रिया, पढ़ा था ना हमने कि भाई हमने, जैसे हमने कॉपर विलयन ले लिया और उसमें आयरन की एक कील डाल दी, तो उसमें कॉपर विलयन क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, कॉपर का लवण, और उसमें दूसरी धातु डाली कौन सी, आयरन, तो क्या होगा, ये एक धातु की दूसरी धातु लवण से अभिक्रिया, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एक अधातु की दूसरी अधातु लवण से अभिक्रिया, तो कैसे होगी, वैसी ही अभिक्रिया होगी जैसा धातुओं में हुआ था, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण लेके चलते हैं, कौन सा, जैसे सोडियम ब्रोमाइड है, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, यह एक्वस है, मतलब यह एक अधातु का लवण है। ठीक है, अधातु का लवण सोडियम ब्रोमाइड, अब इसको हमने डाल दिया क्लोरीन, दूसरी गैस, दूसरी अधातु इसमें डाल दी, ये एक अधातु है और यह अधातु का लवण है। अब बनेगा क्या, यह इसको विस्थापित कर देगी और बनेगी NaCl। ठीक है भाई, क्लोरीन ने इस अधातु को, ये याद रखना, इसमें ये अधातु है, ये वाला, इस अधातु ने इस अधातु को इसकी जगह से विस्थापित कर दिया, तो ये प्राप्त हुआ हमें और निकल गया क्या, ब्रोमीन Br2। बात समझ आई, तो इस प्रकार विस्थापन अभिक्रिया होती है, किसमें, अधातुओं में भी, जिस प्रकार धातुओं में विस्थापन अभिक्रिया हुई थी वैसे ही अधातुओं में भी विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें अधिक क्रियाशील अधातु कम क्रियाशील अधातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगी। अब बात आती है अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया, जिस प्रकार मैंने बताया था धातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया, ऐसे ही अधातु भी क्लोरीन से अभिक्रिया करती है और क्लोराइड बनता है। कैसे, जैसे अधातु है आपके लोगों के पास H2 और ये क्लोरीन से अभिक्रिया करे तो बनेगा HCl, लेकिन जब धातु ने क्लोरीन से अभिक्रिया की थी तो वहां बनता है
आयनिक यौगिक, क्यों? क्योंकि वहां एक हाइड्रोजन दे, वहां एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जो ये यौगिक बनता है, इस यहाँ यौगिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, मतलब ये दोनों, इनमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देता ना कोई लेता, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो यौगिक बनते हैं उनको बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। और सहसंयोजी यौगिक के बीच में होता है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, और यह आबंध इतना मजबूत नहीं होता, इतना प्रबल नहीं होता, इसलिए सहसंयोजी यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक उच्च नहीं होता। अब इनके बीच में जो आबंध है वो इतना प्रबल नहीं है, इसलिए यह ठोस अवस्था में नहीं मिलेंगे, ये आप लोगों को या तो द्रव अवस्था में मिलेंगे या फिर गैसीय अवस्था में मिलेंगे। मतलब क्या, अधातु का क्लोराइड या तो गैसीय अवस्था में मिलेगा या द्रव अवस्था में मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो आयनिक यौगिक नहीं होते। तो वो कौन से यौगिक होते हैं? वो होते हैं भाई सहसंयोजी यौगिक। कौन से यौगिक? सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बनते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, दो के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। ये साझेदारी सहसंयोजी आबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो कि जो अधातु है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाती है वो आयनिक यौगिक नहीं होते, वो होते हैं सहसंयोजी यौगिक। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का देना लेना नहीं होता, इनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट है अधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, इसमें भी वही होता है जैसे मैंने बताया धातु में क्या होता है। वैसे तो धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती, क्यों? क्योंकि धातु भी इलेक्ट्रॉन देती है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देती है, लेकिन कुछ धातु अधिक क्रियाशील होती हैं जो जबरदस्ती हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मजबूर कर देती है। मतलब कुछ धातुओं के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेती है, वहां लेने का काम करती है, तो आयनिक यौगिक बन जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है अधातु की, तो अधातु क्या करेगी? अधातु तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं देती, तो अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कैसे करेगी? अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर तो लेगी, जैसे सल्फर ने अभिक्रिया की किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो बनेगा क्या? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कैसे बनेगा ये यौगिक? ये इसके और इसके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनेगा, ना तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना कोई लेने वाला है, तो दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और ये यौगिक प्राप्त होगा। इस प्रकार के यौगिक को बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक, और इनके बीच में जो आबंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। और सहसंयोजी आबंध वो दुर्बल आबंध होता है, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में नहीं मिलते, ये या तो द्रव अवस्था मिलेंगे या फिर गैसीय अवस्था में मिलेंगे। इनका क्वथनांक और गलनांक भी उच्च नहीं होता, ठीक है भाई। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसी गैस है जिसमें से सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आएगी, इसमें से जब ये बन जाएगी ना तो सड़े हुए अंडे जैसी इसमें से बदबू आती है। उसके वजह से N2 अधातु है, इसकी अभिक्रिया करें H2 के साथ क्या प्राप्त होगा? हमें NH3 प्राप्त होता है, मतलब अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ठीक है। अधातु है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या प्राप्त हुआ? अमोनिया। उसके बाद O2 अधातु है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो प्राप्त होएगा हमें H2O, जल प्राप्त हो जाएगा। अभी मैंने पीछे बताया था कि देखो H2O ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, लेकिन ऑक्सीजन का हाइड्राइड भी तो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अधातु इसने हाइड्रोजन से अभिक्रिया की तो H2O बना, ये जो है यह ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, समझ गए। तो अधातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है, लेकिन वो हाइड्राइड आयनिक नहीं होते, वो होते हैं सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। धातुओं के जो हाइड्राइड बनते हैं वो आयनिक बनते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनेंगे। यहाँ अधातुओं में ऐसा नहीं है, अधातुओं में बनेंगे सहसंयोजी हाइड्राइड। ऐसे ही क्लोरीन के साथ अधातुएं जो क्लोराइड बनाती हैं वह सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है, और धातु बनाती है आयनिक क्लोराइड, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ कंप्लीट हो गया धातु अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ये हम पढ़ चुके हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है।
अगर हम कंपैरिजन करना शुरू कर दें इसके बीच में धातु और अधातुओं की प्रॉपर्टीज, मतलब इनके गुणों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करना शुरू कर दें कि भाई धातु के भौतिक गुण क्या है। सबसे स्टार्टिंग में पहले हमने पढ़ा था धातुओं के कि धातुएं तन्य होती है, अधातु वर्ध्य होती है, विद्युत की सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, सोनोरस मतलब पीटते हैं आवाज आती है, चमकीली होती है, ये सब धातुओं में पढ़ा। फिर मैंने बताया था कि अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं, मतलब ना तो चमकीली होती है, वो भंगुर होती है, चोट मारे टूट जाएंगी, ना ही अधातुवर्त्य होती है, ना ही तन्य होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। ये अधातुओं के भौतिक गुण थे। उसके बाद अगर हम अधातुओं और धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में कंपैरिजन करें तो पढ़ लिया हमने धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, ऑक्साइड बनाती है जो कि सारी प्रवर्तिक होती है। अधातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और बनाती है ऑक्साइड, अम्लीय प्रवर्तिक होती है। धातु ने हाइड्रोजन से जल से अभिक्रिया की, अधातु ने जल से कोई अभिक्रिया नहीं की। धातु ने अम्ल से अभिक्रिया की, अधातु ने अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं की। धातु ने क्लोरीन से अभिक्रिया की तो क्लोराइड बनाया, वो भी आयनिक क्लोराइड, आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, याद रखना आयनिक यौगिक। अधातु ने क्लोरीन से अभिक्रिया की लेकिन आयनिक यौगिक नहीं बना, आयनिक क्लोराइड नहीं बना, सहसंयोजी क्लोराइड बना। फिर धातु ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया की तो हाइड्राइड बना, हाइड्राइड कैसा, आयनिक हाइड्राइड जिनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। जबकि अधातु ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया की तो हाइड्राइड तो बना लेकिन वो हाइड्राइड सहसंयोजी यौगिक होता है, मतलब सहसंयोजी आबंध उसमें होता है। यहाँ आयनिक आबंध होता है हाइड्राइड में, यहाँ सहसंयोजी आबंध होता है क्लोराइड में, आयनिक आबंध होता है क्लोराइड में, सहसंयोजी आबंध होता है। क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, इधर क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। ठीक है भाई, ये है धातु और अधातुओं के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बाकी हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे धातु और अधातु की अभिक्रियाएँ और ये नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।